कल ये क्वेश्चन करवाया था ना मैंने इसका पोटेंशियल का ग्राफ बनवाया था मैंने मैं चलो इसको बोर्ड पर करवाता हूं इसको दोबारा से बोर्ड पे चलते हैं फिर देखो कल मैंने ये क्वेश्चन करवाया था कि भाई ये कैपेसिटर है बैटरी से कनेक्टेड है इसका बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस वी नॉट है तो इसका पोटेंशियल मैंने कह दिया था वी नॉट होगा ये अर्थ से कनेक्टेड है तो इसका पोटेंशियल जीरो वोल्ट होगा यहां हमने एक नॉन कंडक्टिंग स्लैब ली थी नॉन कंडक्टिंग स्लैब इस पोर्शन में तो मैंने पोटेंशियल का ग्राफ बनवाया था आपसे पोटेंशियल का तो ग्राफ कुछ इस तरह का आया था और कुछ इस तरह ग्राफ आया था बीच वाले पोर्शन का स्लोप कम आया था मैंने कहा था इस ग्राफ का जो स्लोप है वो e को रिप्रेजेंट करता है इस ग्राफ के स्लोप का मैग्नीट्यूड e को रिप्रेजेंट करता है यहां इलेक्ट्रिक फील्ड थी e नॉट यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड e नॉट और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड e थी और e की वैल्यू e नॉट से कम थी तो उसके हिसाब से बीच वाले पोर्शन का स्लोप कम आ गया था ये तो था ग्राफ पोटेंशियल का विद डिस्टेंस डिस्टेंस मतलब हम हमने ऐसा कहा था आप सोचो जैसे कि हम पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहे हो लेट हम पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहे तो वो एक्स पॉजिटिव से डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा था ये ग्राफ आपका आ गया था यही मैं आपसे पूछूंगा इसी एग्जाम्पल में एक्स के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ जैसे मैंने कल पोटेंशियल ग्राफ पूछा था इसी में दूसरा ग्राफ में पूछ रहा हूं ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद एक्स इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ एक्स के साथ कैसे आएगा तो देखो बेटा मैं समझा देता हूं पहले अगला क्वेश्चन मैं मैं तुमसे पूछ लूंगा ये मैं करवा देता हूं देखो ये जो पोर्शन है इतना पोर्शन इसमें ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पूरे पोर्शन में यहां तक ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड जो कॉन्स्टेंट है ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड जो कॉन्स्टेंट है तो ये ई e नॉट हो गया यहां तक यहां तक इस पोर्शन में उसके बाद देखो इस इस पोर्शन में इतने में स्लैब वाले पोर्शन में ई है तो ग्राफ नीचे आ जाएगा नहीं इस पूरे पोर्शन में ई है है बट ई नोट से कम है तो ग्राफ नीचे आ गया नेक्स्ट इस पोर्शन में इस पोर्शन में ये ई नोट फिर है तो फिर ई नोट

देखो अगला ये है ये वही कैपेसिटर ले लो बैटरी ले लो कैपेसिटर और बैटरी ये पोटेंशियल डिफरेंस हमने यहां से वी नॉट लगा रखा है और यहां ये कंडक्टिंग स्लैब है कंडक्टिंग स्लैब स्लैब अब की बार कंडक्टिंग ले लिया हमने कंडक्टिंग क्लियर ओके क्लियर तो अब की बार कंडक्टिंग स्लैब ले ली भाई हमने कल जो क्वेश्चन था ना उसमें थी ये डाइइलेक्ट्रिक स्लैब डाइइलेक्ट्रिक का मतलब इंसुलेटिंग स्लैब अब जैसे देखो यहां का पोटेंशियल वी नोट हो गया यहां का पोटेंशियल जीरो हो गया तो दो वही दो ग्राफ में पूछूंगा आपसे v का ग्राफ x के साथ और E का ग्राफ x के साथ पोटेंशियल का ग्राफ x के साथ और इलेक्ट्रिकल का ग्राफ x के साथ ये दोनों ग्राफ मैं फिर पूछ रहा हूं इसमें देखो V पहले V का ग्राफ V का ग्राफ V का ग्राफ आएगा ये 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 ग्राफ आएगा फर्स्ट डिक्रीज देन कांस्टेंट देन डिक्रीज ऐसी बिल्कुल सही भाई बिल्कुल सही इलेक्ट्री फिल्ड इन सो वेरिएशन नो वेरिएशन पोटेंशियल बिल्कुल सही रहेगा ये पोटेंशियल घटेगा यहां वैल्यू वी नॉट है यहां से यहां पोटेंशियल डिक्रीज करेगा लेकिन कंडक्टर के अंदर हर जगह हर जगह कंडक्टर के अंदर पूरे में कांस्टेंट होगा कंडक्टर इक्विपोटेंशियल होगा तो यहां से यहां घटाओ फिर रखो कॉन्स्टेंट फिर कॉन्स्टेंट रखो उसके बाद इसके बाद यहां से यहां यहां जाओगे फिर घटेगा तो इस पोर्शन में फिर घटा दो यहां पर इलेक्ट्रीफी 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 जीरो है तो स्लोप इस पोर्शन में जीरो होगा तो अरे भाई मिट गई इस पोर्शन में ई जीरो स्लोप जीरो होगा तो पोटेंशियल कॉन्स्टेंट होगा यहां तो ये इसलिए बीच वाला पोर्शन कॉन्स्टेंट आ गया हा और e का ग्राफ कैसे होगा देखो बेटा यहां e नोट है तो पहले e नोट फिर यहां इस पोर्शन में जीरो है तो जीरो फिर इस पोर्शन में फिर e नॉट है तो यह आजगा तो इस तरह ग्राफ इसका आ जाएगा भाई आपका e नोट जीरो e नॉट एक तुमसे पढ़वा लो भाई स्पेस नहीं भाई जीरो पे लेके आओ उसको जीरो पे लेके आओ सही तरीका तो जीरो पे लेके आना है ये शो करना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ये शो करना चाहिए मैं हाँ सही तो तभी माना जाएगा अरे कुछ बच्चे बैठे रहते हैं कोई आंसर देने की कोशिश नहीं करते ना कुछ बोलते ना कोई पूछते ना बताते हाँ भाई मैं नाम लेके पूछना स्टार्ट करूंगा आप लोगों से मैंने देख लिया ढंग नाम लेके पूछना स्टार्ट करूंगा अगला क्वेश्चन तुमसे पूछता हूँ भाई अगला क्वेश्चन तुमसे पूछता हूं भाई देखो ये कैपेसिटर है भाई वही बैटरी मैंने कनेक्ट कर दी अबकी बार ना मैंने स्लैब दो ले ली दो स्लैब ले ली भाई ये ये कंडक्टिंग ये नॉन कंडक्टिंग कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग ये सारे डिस्टेंस ये डिस्टेंस है ये है ये है सब बराबर सब बराबर डिस्टेंस है V और X का ग्राफ बनाओ E और X का ग्राफ बनाओ जैसे देखो यहां का पोटेंशियल है V नॉट यहां का पोटेंशियल है जीरो पहले वी और एक्स का बना दो सौरभ ने बना दिया मैं बना देता हूं मैं बना देता हूं इसे मिला लो भाई पहले पोटेंशियल घटाओ फिर कांस्टेंट रखो फिर घटाओ फिर थोड़ा कम घटाओ ये।, ये ग्राफ आएगा ई में पहले ई नॉट यहां ई नॉट है यहां ई नॉट है यहां ई नॉट है इसमें जीरो है इसमें ई है तो पहले ई नॉट फिर जीरो फिर ई नॉट फिर ई फिर ई नॉट ये ग्राफ हो जाएगा हाँ इसमें इस पोर्शन का स्लोप ध्यान रखना इसका स्लोप कम दिखाना इस पोर्शन का स्लोप अच्छा एक चीज और ध्यान देना, देखो ये जो पोर्शन है ये पोर्शन ये पोर्शन और ये इनके स्लोप सेम होने चाहिए देखने में लगना चाहिए जैसे ये वाला है ये वाला है ये वाला है इन तीन के एक दो तीन इनके है भाई मिटा दिया इनके स्लोप सेम दिखना चाहिए इन तीन के इसका इसका और इसका स्लोप सेम दिखना चाहिए बेटा देखो यहां से यहां यहां पोटेंशियल वी नॉट है यहां पोटेंशियल वी नॉट है यहां पोटेंशियल घटेगा यहाँ बी नोट है यहाँ से यहाँ जाओगे घटेगा अरे भाई क्या हो रहा है इसका मैंने कौन सा बटन दबा रहा है तो यहाँ से यहाँ पोटेंशियल घटेगा तो मैंने घटा दिया यो फिर ये होगा कंडक्टर ये वाला होगा कंडक्टर इस पोर्शन में कांस्टेंट रहेगा इसमें कांस्टेंट रहेगा तो इसमें ये होगा रख दिया हमने कांस्टेंट अगले पोर्शन में फिर घटेगा यहां से यहां इस पोर्शन में फिर घटेगा सेम रेट से घटा दो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल कम हो जाएगा तो कम रेट से घटा दो स्लोप कम कर दो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ई इलेक्ट्रीफल तो इसमें भी सेम जो यहां घटा था जो यहां घटा था वो यहां घटेगा तो उतना ही फर्क बना दो ये ग्राफ से आगे बढ़ते हैं ये तो क्या ग्राफ के अब नेक्स्ट उस पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स पर आते हैं ये सब ग्राफ के क्वेश्चन है ये वही कंडक्टिंग और ये ये वाला होगा दो वाला हो गया

कैपेसिटर का फंक्शन था अब क्वेश्चन आता कैपेसिटर के पास एनर्जी कहां से आती है कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर कहां से होती है तो वो समझना हमने पहले तो तो उसके बाद डेरिवेशन आसान सी है भाई देखो जैसे मान लीजिए मार्केट से कैपेसिटर ले आए मान लो आप मार्केट से कैपेसिटर ले आए आपने उसको इलेक्ट्रिकल सर्किट में लगाना है तो जब मार्केट से कैपेसिटर लेके आओगे उस पर कोई चार्ज नहीं है कोई चार्ज नहीं होता उसके ऊपर शुरू में चार्ज नहीं होता तो कैपेसिटर की प्लेट्स पे कोई चार्ज नहीं होता तो कैपेसिटर हो तो में एनर्जी भी नहीं होनी तो शुरू में कोई एनर्जी नहीं होती कैपेसिटर के पास वो होता है जब तक तो वो अनचार्ज कोई एनर्जी नहीं आएगी उसके पास क्योंकि अनचार्ज होगा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कुछ नहीं तो कोई एनर्जी भी नहीं तो हम क्या करेंगे कैपेसिटर को लगाएंगे बैटरी के साथ आप गरवाड़े सर्किट पर मत जाओ जो हमने पढ़ना उसके हिसाब से बता रहा हूं मैं जो हमने सिलेबस में पढ़ना उसकी बात करता जैसे मान लो मेरे पास एक कैपेसिटर है वो है उसकी प्लेट्स पर कोई चार्ज नहीं और उसके पास कोई एनर्जी भी नहीं मैं क्या करूंगा उसको बैटरी से जोड़ूंगा जैसे मैंने लिखा रखा है बैटरी से जोड़ूंगा अब देखो शुरू से समझो एक बार जैसे ये कैपेसिटर है मेरे पास मान लो ये है मेरा कैपेसिटर ये सिंबल है कैपेसिटर का दिस इज द सिंबल फॉर कैपेसिटर दो प्लेट यूं पैरेलल दिखानी होती दिखाने मैं ले आया मार्केट से, से इसे इस पर कोई चार्ज नहीं है तो मैं इसको बैटरी या सेल से जोड़ूंगा बैटरी या सेल से कनेक्ट कर दूंगा तो बैटरी या सेल करेगी क्या बैटरी या सेल जिससे भी कनेक्ट करोगे ये मेटल की प्लेट है तो बैटरी क्या करेगी जैसे बैटरी का ये ये पॉजिटिव है है नेगेटिव तो बैटरी एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकालेगी एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन अब पता कंडक्टर के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन तो बैटरी का ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा ये पॉजिटिव और उन इलेक्ट्रॉन को दूसरी प्लेट को दे देगा इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकाल ये बैटरी निकालेगी और दूसरी प्लेट को दे, दे देगी अब जैसे बैटरी वर्क करेगी उन इलेक्ट्रॉन को एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर ट्रांसफर करवाने के लिए बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस वर्क करेगा तो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस वर्क करेगा जिसके कारण इलेक्ट्रॉन एक प्लेट से निकल गए दूसरी प्लेट पर ट्रांसफर होंगे और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो इस पर तो आएगा पॉजिटिव चार्ज और दूसरी इलेक्ट्रॉन ले रही है उस पर आएगा नेगेटिव चार्ज अब ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्यों आए क्योंकि बैटरी ने एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन दूसरी प्लेट पर ट्रांसफर करवा दिए तो एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ गया दूसरी प्लेट पर उतना ही नेगेटिव चार्ज आ गया इसको हम कहते हैं कि कैपेसिटी की चार्जिंग होने लग रही है शुरू में कोई चार्ज नहीं था अब इस तरीके से बैटरी के कारण ये चार्ज आ हुआ और बैटरी जो है इन इलेक्ट्रॉन्स को एक प्लेट से दूसरी प्लेट में भेजेगी तो सेल या बैटरी जो भी अपने यूज करी है वो उनको इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के लिए वर्क करेगी इलेक्ट्रॉन को एक प्लेट से दूसरी प्लेट में भेजना है तो बैटरी या सेल जो भी सोर्स हमारा इसको हम सोर्स कह देते हैं सोर्स पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स ये बैटरी या सेल इन इलेक्ट्रॉन को एक प्लेट से दूसरी प्लेट में भेजने के लिए वर्क करेगी और बैटरी या सेल जो वर्क करेगी उसकी कॉस्ट पर उसके कारण कैपेसिटर के पास एनर्जी आएगी बैटरी या सेल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करवाएगी एक प्लेट, पर, एक, एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर उसको इलेक्ट्रॉन को एक जगह से एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर भेजने के लिए सेल को वर्क करना पड़ता है वही वर्क कैपेसिटर में एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर कहा जाता है इसको चार्जिंग चार्जिंग कहते हैं कि कैपेसिटर की लग रही है एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आना लग रहा है दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आना लग रहा है और चार्जिंग जब तक तो नहीं होती पूरी जब तक पूरी चार्जिंग नहीं होती तब तक इलेक्ट्रॉन एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर ट्रांसफर होते रहेंगे जब चार्जिंग पूरी हो जाएगी कंप्लीट हो जाएगी चार्जिंग तो ये इलेक्ट्रॉन का एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर जाना बंद हो जाएगा अब देखो भाई चार्जिंग जब तक हो रही है इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का चलने का मतलब करंट आ रहा है इलेक्ट्रॉन का चलने का मतलब करंट आ रहा है जब चार्जिंग कंप्लीट होगी कंप्लीट होते ही

स्टडी स्टेट का मतलब वो फुली है जितना चार्ज ले सकता था उसने ले लिया तो वो स्टडी स्टेट में जब कैपेसिटर होगा तो कोई इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा कोई सर्किट में करंट नहीं होगा और ये जो चार्जिंग जो चार्जिंग वाला प्रोसेस है कैपेसिटर का एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर इलेक्ट्रॉन चलने का जो प्रोसेस है ये बहुत लंबा नहीं चलता बहुत लंबा नहीं चलता कुछ माइक्रो माइक्रोसेकेंड का काम है कुछ माइक्रो माइक्रोसेकेंड के अंदर अंदर ये पूरा काम कंप्लीट हो जाता है एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर इलेक्ट्रॉन जाने बंद हो जाते हैं कुछ माइक्रो सेकंड के अंदर अंदर, ठीक तो ये कोई ऐसा नहीं कि बहुत बोल दो, इस कह सकते हैं इसको अब ये तो चार्जिंग कैसे होती है कैपेसिटर के पास चार्ज कैसे आता है कैपेसिटर के पास एनर्जी कैसे आती है उसका रीजन समझाया अभी एनर्जी कहां से आई चार्ज कैसे आया चलो अब ये तो बात चार्जिंग कैसी होती? चार्जिंग के लिए हमें हमेशा सेल या बैटरी लगानी पड़ेगी सेल या बैटरी को वर्क करना पड़ेगा उसके कारण इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे उनको उस को चार्जिंग बोलेंगे और ये पूरा प्रोसेस कुछ माइक्रो सेकंड के अंदर पूरा होगा अब मैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का फार्मूला डिराइव करता हूं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का फार्मूला डिराइव करता हूं मैं ये मान मान लेता हूं लेट इज कैपेसिटी सी कैपेसिटी है

डी क्यू स्मॉल चार्ज कुछ एक्स्ट्रा चार्ज और दे दिया हमने तो डी डब्ल्यू स्मॉल वर्क डन दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज वर्क होगा तो दिस डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू बाई सी डी क्यू स्मॉल वर्क आ गया उसके बाद लेट कैपिटल क्यू फाइनल टोटल चार्ज फाइनल टोटल चार्ज मान लो कैपिटल क्यू है तो टोटल वर्क डन इसको इंटीग्रेट कर लो जीरो टू कैपिटल क्यू इसकी लिमिट होंगे जीरो से कैपिटल क्यू तक डी का इंटीग्रेशन डब्ल्यू हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन क्यू स्केयर बाय टू हो जाएगा जीरो टू कैपिटल क्यू वन बाय टू बाहर निकाल लो वन बाय टू सी स्केयर माइनस जीरो तो वर्क हो जाएगा के ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने का वर्क है अब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने का ये जो वर्क होगा यही वर्क एनर्जी के बराबर होगा एनर्जी को अगर मैं यू से रिप्रेजेंट करूँ तो वो इस डब्ल्यू के बराबर लिख दो तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का फॉर्मूला बनेगा बिल्कुल क्लियर आसान है, बिल्कुल, बिल्कुल। है।, है डेरिवेशन लेकिन वही बात है बोर्ड में डेरिवेशन पूछते हैं आपसे तो ये डेरिवेशन आपको करनी आनी चाहिए पहले आप क्या करोगे कुछ कंसीडरेशन करनी है आसान सा तरीका ना कैपेसिटी मान लो शुरू में चार्ज जीरो आप बीच की कोई स्टेट मान लो लेट पर्टिकुलर इंस्टेंट पर ये चार्ज ले लिया उससे पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया फिर स्मॉल चार्ज से स्मॉल वर्गन निकाल दिया उससे इंटीग्रेट कर लिया फाइनल चार्ज कैपिटल क्यों मान के इंटीग्रेट करके जो वर्क आया उसको एनर्जी के बराबर बोल दिया यही है इसके अंदर हाँ क्लियर ओके चलो डेरिवेशन समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूं अब देखो एक चीज बड़ काम की बात बताता हूं अब

क्यों को मैं क्या लिख सकता हूं क्यों को क्यों को मैं सी इन वी लिख सकता हूं सी इन टू बी क्यू कह सी इंटू बी तो यू क्या बनेगा सी स्क्र बाई टू सी तो यही फॉर्मूला मोडिफाई हो गई ये बन जाएगा ये भी इसका फॉर्मूला बन जाता है देखो अगर हमें क्यू और सी देखा हो ना क्यू और चार्ज और सी देखा हो तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे चार्ज और सी की वैल्यू तो ये यूज कर लेंगे चार्ज की बजाय हमें सी और वी दे रखे हो तो ये फॉर्मुला हो तो तो डिपेंडिंग हमें गिवन क्या है उसके हिसाब से कभी ये फॉर्मला हो सकता है यूज करना पड़े कभी हो सकता है ये यूज करना पड़े वो डिपेंड करेगा गिवन क्वांटिटी कौन सी कौन सी है और देख लो जैसे इसी को देख लो इसी को इसको मैं ये लिख दो वन बाय टू सीवी इन टू बी इस वी स्क्वायर को तोड़ दो स्क्वायर को तो सीवी क्यों के बराबर हो गया तो यू इज इक्वल टू 1 by 2 kv, 1 by 2 kv, तो u equal to 1 by 2 kv के बराबर भी लिख सकते हैं तो एनर्जी के फॉर्म में डिपेंड करता क्या चीज गीवन अपने को तो u is equal to kv square by 2, उसी भी यूज होता है, 1 by 2 cv square भी यूज होता है और 1 by 2 kv भी यूज होगा, डिपेंड करेगा कंडीशंस पर भाई। हाँ, रोहित बांगड़ बिल्कुल। कंडीशंस पर डिपेंड करेगा बिल्कुल अब एक थोड़ी सी ना ऐसी बात बताऊंगा अब आपको मैं थोड़ी सी हजम करनी पड़ेगी बस आपको वो बात जो अगली बात बता रहा हूं ना मैं वो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा भाई आपको सुनना मेरी बात को अब जो सुनेगा नहीं ना तो उसको समझ में भी नहीं आएगी बात अगली बात थोड़ा सा नोट करना इंपोर्टेंट करकेयर बाय टूसी हाँ स्केयर बाई टूसी देखो अब एक बात सुनो मेरी बात ध्यान दे दो बेटा आपने बोला भाई इस पर फाइनल चार्ज, तो चार्ज क्यों माइनस क्यों तो फाइनल चार्ज क्यों माइनस क्यों बैटरी का पोटेंशियल वी बैटरी का पोटेंशियल वी अब नोट करना बैटरी का पोटेंशियल वी और चार्ज कितना क्यों तो आपसे पूछेगा टोटल वर्क बाय सेल टोटल वर्क बाय सेल आपसे पूछेगा भाई कैपेसिटर है कैपेसिटर के साथ सेल कनेक्टेड है सेल ने इस कैपेसिटर की चार्जिंग करवाई है इस सेल के कारण कैपेसिटर की चार्जिंग हुई है तो ये बताओ सेल ने टोटल कितना वर्क कराया सेल ने कितना टोटल वर्क कराया पूछेगा आपसे तो भाई सेल का वर्क तो पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज तो सेल का वर्ग हुआ क्यों इंटू वी अब मैं कह रहा हूं मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं थोड़ा नोट करना इसको गलती हो जाएगी पर बच्चे गलत करेंगे इसमें जो मैं बात बताने जा रहा हूं पता ही नहीं होता दुनिया को बुक में डायरेक्ट लिखी नहीं होती और बच्चे ध्यान देते नहीं इसलिए जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं वो गलत होता है तो सेल का टोटल वर्क होगा पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज फिर आपसे पूछेगा एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, आप कहेंगे वन बाय टू क्यू वी अभी करवाई थी मैंने वन बाई टू क्यों आई थी मॉडिफाई करके अब आपसे पूछेगा भाई सेल ने क्यू वी वर्क कराया सेल ने क्यू वी वर्क कराया और कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर रही वन बाय टू क्यू वी आदि एनर्जी स्टोर हो रही है कैपेसिटर में तो और सेल कितना टोटल वर्क कर रही है क्यू इन वी तो बाद, बाकी आधा वर्क कहां गया बाकी आधा वर्क कहां गया सेल ने तो वर्क रखा क्यों भी, और एनर्जी स्टोर हो रही है तो डेरिविशन में कि है। लेकिन उस डब्लू में इस डब्ल्यू में फर्क है इस वर्क में तो फर्क तो है एक्चुअल में जो सेल वर्क करती है ना एक्चुअल में जो सेल वर्क करती है वो कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है उससे डबल वर्क करती है एक्चुअल में जो सेल वर्क करती है वो जो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर हुई उससे डबल वर्क करती है है देख लो आपके सामने लिख रखा अब कहो थोड़ी देर पहले तो आपने वर्क को ही एनर्जी लिखा था जी लिखा था बिल्कुल वही तो मैं बताना चाह रहा हूं अब मैं जो मेन पॉइंट है इसलिए तो मैंने कहा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बुक में नहीं लिखा होता है लेकिन उसका मीनिंग समझाना होता मुझे देखो जो आपने अभी डेरिवेशन में वर्क निकाला ना अभी जो डेरिवेशन में वर्क निकाला जिसको अपने एनर्जी के बराबर पुट किया बेसिकली आपने वो टोटल वर्क नहीं निकाला वो टोटल वर्क नहीं निकाला आपने एक्चुअल में होता क्या है कि जो सेल वर्क करती है ना टोटल वर्क बाय सेल टोटल वर्क बाय सेल वो दो जगह यूज होता है एनर्जी प्लस हीट प्लस हीट एनर्जी प्लस हीट एनर्जी प्लस हीट यहां जाता है ये वेस्ट हो जाता है हाँ हीट की फॉर्म में वो वेस्ट होता है तो टोटल वर्क ये है इतनी एनर्जी स्टोर होती है और बाकी जो है वो हीट में कन्वर्ट होता है अब बच्चा पूछे ना हीट कहां से आ गई जी अपने तो हीट का नाम ही नहीं लिया बिल्कुल सही कहा आपने हमने हीट का नाम नहीं लिया ना किताब में लिख रखा है हीट का नाम जब नॉर्मल शुरू में डेरिवेशन ये पढ़ते हो ना एनर्जी ऑफ पिस्ट का वहां पर भी हीट का नाम नहीं लेगा वो लेकिन एक्चुअली हीट होती है वो हीट कहां होती है फिर पूछे बच्चे जी ऐसे कैसे होती है जब आप नाम नहीं ले रहे तो बताया भी नहीं शुरू में कारण ये बेटे हम जो पढ़ते हैं ना हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं स्टडी स्टेट वाले कैपेसिटर ज्यादातर स्टडी स्टेट की बात करते हैं हम तो उसमें हमें उस हीट हीट की बात नहीं करनी होती हमें फाइनल एनर्जी की बात करनी होती है तो इसलिए हम उसका जिक्र ही नहीं करते जब डेरिवेशन की बात करते हैं लेकिन जैसे हम न्यूमेरिकल पर आएंगे क्वेश्चन पर आएंगे कॉन्सेप्ट पर आएंगे तो हमें हीट का जिक्र करना चाहिए क्योंकि एक्चुअल में है वो हीट तो प्रोड्यूस हो रही है एक्चुअल में होता क्या है ये जो सर्किट मैंने बना रखा है ना ये जो सर्किट कैपेसिटर की चार्जिंग के लिए बना रखा है कैपेसिटर कभी ऐसे चार्ज किया ही नहीं जाता सुनो मेरी बात को ध्यान से सुनो जैसे मैंने कहा कैपेसिटर लगा दिया सेल लगा दी और चार्जिंग कर दी ऐसे कभी कैपेसिटर चार्ज किया ही नहीं जाता आपको कुछ फ्रॉप ने क्यों बढ़ाया आप बोले हो ना न मैं बोला ना किताब वाले बोले किताब में भी यूँ बढ़ा रखे मैंने भी यूं बढ़ा दिया क्योंकि जरूरत इसकी इतनी थी लेकिन कंसेप्ट अगर बताऊंगा तो फिर मुझे सारी बातें बतानी पड़ेंगी इसलिए ये बातें बोलने लग रहा हूं भाई एक्चुअल में जो कैपेसिटी की चार्जिंग की जाती है ना सेल अकेली कनेक्ट कभी नहीं होती सेल के साथ हमेशा सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड होगा हमेशा एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड होगा हो ही होगा बगैर रेजिस्टेंस के कभी कैपेसिटी की चार्जिंग नहीं करवाई जाती और जब रेजिस्टेंस कनेक्टेड होगा तो इस रेजिस्टेंस में हीट भी प्रोड्यूस होगी आई आर टी के फॉर्मूले से हीट भी प्रोड्यूस होगी और हीट प्रोड्यूस होगी तो उससे एनर्जी की वेस्टेज होगी और एक्चुअल में तो देखो तो आधी एनर्जी ये आदि गया है आधी तो हीट में वेस्ट हो रही है इसमें देख लो तुम्हारे फार्मूले में टोटल वर्क क्यू भी है एनर्जी वन बाई टू क्यू भी है हीट कितनी हो रही है वन बाई टू क्यू भी हीट हो रही है भाई देख लो हाँ रजिस्टर लगाया जाएगा हमेशा रजिस्टर लगाया जाता है कैपेसिटर के साथ हमें जरूरत नहीं होती इसीलिए हम इसको आम तौर पर आपको बुक्स में ये रजिस्टर दिखाया नहीं मिलता और इसलिए हम भी शुरू में डेरिवेशन जब करवाते हैं बेसिक लेवल पर अगर मुझे केवल ये बोर्ड बोर्ड में पढ़ाना होता ना बोर्ड लेवल पर पढ़ाना होता तो मैं भी जिक्र नहीं करता इसका मैं भी तुम्हारा छोड़ देता वो डब्ल्यू डब्ल्यू निकाला यू निकाला वन बाई टू क्यों भी बता दिया कि उसके टू सी, और हो गया जी आर्टिकल पूरा लेकिन भाई उससे काम तो नहीं चलेगा वो बोर्ड के क्वेश्चन तो सोल्व करवा देगा आपके ये क्वेश्चन तो सोल्व नहीं करवाएगा वो उसे फैसाओगे फिर आप हाँ सीधा चार्ज क्यों नहीं करते ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा पूछा है ये yes, क्वेश्चन बड़ा अच्छा पूछे बगैर रजिस्टर की रजिस्टर लगाऊं क्यों जी क्यों लगाऊं रजिस्टर बिल्कुल मान लो मैं रजिस्टर ना लगाऊ एक बार बात तो अगर मैं रजिस्टर ना लगाऊ ना बेटे तो ये कैपेसिटर ऑलमोस्ट जीरो टाइम में चार्ज हो जाएगा बहुत जल्दी चार्ज हो जाएगा और अगर बहुत जल्दी चार्ज होगा हो तो जो करंट आओगे ना करंट आओगे वो क्यों बाय टाइम क्यों बाय टाइम और टाइम ऑलमोस्ट जीरो टाइम ऑलमोस्ट जीरो तो करंट ऑलमोस्ट इनफाइनाइट आ जाएगा अगर मैं ये रजिस्टर तो से चार्जिंग हो हो जाएगी जाएगी पूरी तुरंत चार्जिंग एकदम से और इतना ज्यादा करंट आएगा कि बैटरी वैटरी सब कुछ जल जाएंगे सब कुछ जल जाएंगे डैमेज हो जाएंगे इतना ज्यादा करंट आ जाएगा फिर तो तो करंट को विद इन द लिमिट रखना ही पड़ता है में एक बैटरी की भी लिमिट होती है ना बैटरी की लिमिट से ज्यादा करंट नहीं तो रेड कर सकती बैटरी खुद जल जाएगी कैपेसिटर तो छोड़ो बैटरी जल जाएगी

एकदम से चार्जिंग पूरी काम खत्म लेकिन एक्चुअल में ऐसा ग्राफ नहीं होता ये तो तब जब रेजिस्टेंस ना लगा रखे होंगे यहां कोई रेजिस्टेंस नहीं तो ये ग्राफ आऊंगा जीरो टाइम में चार्जिंग होगी लेकिन एक्चुअल में पता क्या होता है एक्चुअल में टाइम के साथ अगर मैं चार्ज का ग्राफ बढ़ाऊं चार्ज ऑन कैपेसिटर का अगर एक्चुअल में देखूं प्रैक्टिकली जो सही होता है वो यूं होता है चार्ज और टाइम का ग्राफ चार्ज और टाइमोग्राफी में होता है तो रेजिस्टेंस और और रेजिस्टेंस के साथ और विदाउट विदाउट इन दोनों की बात होगी। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। चलो अब कुछ क्वेश्चन करना एग्जांपल लेता हूं माइक्रोफेराइडिटी का, कपस्ति, कपस्ति का है। उस पर हमने डिफरेंस लगा दिया टेन वोल्ट 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है तो ये कहता है व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज 1/2 CV2 1/2 CV2 एनर्जी स्टोर्ड होगी तो दैट इज 1/2 2, 2, square, so, 2, 2 into 10 रे टू पावर -6 into 10 का स्क्वायर तो यहां 2 से 2 कटो तो एनर्जी स्टोर्ड होगी भाई 10 रे टू पावर -4 जूल

कैपेसिटर की कैपेसिटी है मान लीजिए वन माइक्रो फेराड स्टडी स्टेट चार्ज फाइव माइक्रो कूलम कैपेसिटी वन माइक्रो फेराड ये कहता है फाइंड दी एनर्जी स्टोर्ड इन दी कैपेसिटर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर तो क्यू स्क्वायर बाय टू सी क्यू स्क्वायर बाय टू सी तो एनर्जी स्टोर्ड निकालो फाइव इंटू टेन रेस्ट पावर माइनस का स्क्वायर डिवाइड बाय वन इंटू रेस्ट पावर माइनस सिक्स के साथ

तो मैं मान लू अंदरजी स्टोर का सारा जो कंसेप्ट है बेसिक अंदरजी कहां से स्टोर हुई किसने स्टोर करवाई क्या प्रोसेस होता है इलेक्ट्रॉन कैसे चलते हैं ये सब कुछ बताना चाहिए आप लोगों को कब तक करंट आएगा जब तक चार्जिंग नहीं होती तब तक करंट आएगा अच्छा फिर मैं एक बात बता दूं सुनो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको भी यहाँ रेजिस्टेंस होता है यहाँ रेजिस्टेंस होता है लेकिन रूटीन में हम यहाँ रेजिस्टेंस लेंगे नहीं देखो रूटीन में हम रेजिस्टेंस इसलिए नहीं लेते क्योंकि हम जो कैपेसिटर पढ़ते हैं ना हम जो कैपेसिटर पढ़ते हैं वो स्टडी स्टेट में पढ़ते हैं स्टडी स्टेट में स्टडी स्टेट हम अगर ना भी बोले तो हम ये मान के चलाएंगे कि हमारा कैपेसिटर स्टडी स्टेट में है और स्टडी स्टेट में सर्किट में कोई करंट वरंट नहीं आता चार्जिंग पूरी हो चुकी होती है और जब करंट नहीं आता ना तो रेजिस्टेंस लगाया ना लगाया बराबर होता है फिर फिर रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं होता जब चार्जिंग पूरी हो जाती है ना तो फिर रेजिस्टेंस में जिसमें जिस रेजिस्टेंस में करंट नहीं होता ना

एनर्जी परलिट वॉल्यूम ये एनर्जी डेंसिटी होती है तो कैपेसिटी के केस में इसकी डेरिवेशन हमने करनी है के लिए इसकी डेरिवेशन करनी है जैसे की एनर्जी आई अपने पास ये एनर्जी का फॉर्मुला तो यूज कर लूंगा डेंसिटी निकालूंगा उसके लिए मुझे वॉल्यूम चाहिए वॉल्यूम वॉल्यूम होगा एरिया इंटू डी जैसे ये प्लेट सेन का एरिया ए मान लो ए एरिया ये डी है तो वॉल्यूम कितना हुआ ए जैसे ये एरिया होगा ए ए इंटू डी एनर्जी डेंसिटी बता सकता हूं आमतौर पर एनर्जी डेंसिटी के लिए स्मॉल यू सिंबल यूज करते हैं स्मॉल यू तो वो बनेगी वन बाय टू सीवी स्क् ए इंटू डी 1/2 c b2 a into d ये एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला है अब इसमें इसको चेंज करके थोड़ा बहुत लिख देते हैं छोटी सी डेरिवेशन तो मॉडिफाई करना हमने इसको जैसे 1/2 c की वैल्यू पुट कर लेता हूं मैं एप्सिलॉन a, a d v2 और ad c की वैल्यू कर ली मैंने अब देखो इसमें a से तो a काट लो a से a काट लो मेरे ख्याल से तो कट जाएगा ना ऐसे ये कट गया a से a तो एनर्जी डेंसिटी वन बाय टू नॉट वी बाय डी का स्केयर देखो नीचे दो बार डी आ गया ना यहां डी आ गया यहां डी आ गया तो डी स्क् हो गया ऊपर वी स्केयर उनको इकट्ठा लिख लिया मैंने लेकिन वी बाई डी क्या होगा वी बायी मेरे ख्याल से तो वी बाई डी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वी बाई डी इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर चेंज कर दो तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मुला बन जाता है वन बाय टू नॉट

जैसे मैंने कहा कंडक्टर ले लो सिंगल उसमें तो एनर्जी डेंसिटी बहुत कम होती पूरे इन्फिटी तक एनर्जी फैल जाती है उसकी तो इसकी एनर्जी डेंसिटी ज्यादा होती ये है यही इसका मेन एडवांटेज है इसीलिए हम इसको सर्किट में एनर्जी को स्टोर करवाने के लिए यूज करते हैं कैपेसिटर को क्योंकि इसकी एनर्जी डेंसिटी ज्यादा होती है सिंगल कैपेसिटर से अभी एग्जाम्पल ले लो एक छोटा सा एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लें इसका एनर्जी डेंसिटी का एग्जाम्पल ले लेते हैं देखो मान लीजिए कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है

इन टू वन थाउजेंड का स्क्वायर, वन थाउजेंड का स्क्वायर, तो ये देखो फोर पॉइंट फोर टू फाइव इसको डिवाइड करूंगा ना इन टू टेन रिज टू पावर माइनस सिक्स जूल पर मीटर क्यू यह बढ़ जाएगा बाकी क्वेश्चंस कल कर फिर हाँ बेटा बाकी क्लास को आगे कल बढ़ाते हैं कल करते हैं बाकी क्वेश्चंस को ठीक है बेटा